नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम वॉक थ्रू करने वाले एक वेस्ट फेसिंग बंगलो का, और जो साइज़ है प्लॉट साइज़ वो 24 फीट चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो ऐसे गहराई है वो 52 फीट है। 24x52 के अंदर ये दो मंजिला मकान बनाया गया है, और अभी कलरिंग का काम चालू है, एक्सटर्नल कलर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फ्रंट में देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कोने पे ये सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे, और राइट साइड में यहाँ पे साउथ वेस्ट कोने पे एक बढ़िया सा पार्किंग स्पेस दिया है। सेप्टिक टैंक के ऊपर से ही यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप से बरामदा के ऊपर आने के लिए ये है बरामदा, और ऊपर में है ये पोर्च डिज़ाइन। तो यहाँ पे कुछ बढ़िया तरीके से टाइल्स वगैरह या फिर अलग प्लास्टर में डिज़ाइन निकाल सकते हैं कलर में। उसके बाद यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है, यहाँ पे 4 फीट चौड़ा। जैसे अंदर आते ये है हॉल यूनिट, ये POP फॉल सीलिंग का भी काम चालू है, और ये हॉल काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका प्लानिंग है। जैसे कि आप यह देख रहे हैं, ये जो टाइल बिठाई गई है इसकी जो लंबाई है वो लगभग 5 फीट है, और ऐसे 2.5 फीट, 5x2 का ये टाइल है। और राइट साइड में यहाँ पे जो साउथ वेस्ट कोना है वहाँ से ही पहले मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ी का प्रोविज़न किया गया है। तो ये इस तरीके से प्लानिंग है। सीढ़ी के नीचे काफ़ी स्पेस है, तो इसको एज अ स्टोर यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं कुछ इन्वर्टर वगैरह रखने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे ये किचन यूनिट, तो अग्नि कोने पे किचन यूनिट प्लान किया है, और जो ये ओपन किचन है तो वहाँ पे ये पूरा किचन ओटा। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग स्पेस, और ग्रेनाइट में एक बढ़िया से बर्तन वगैरह रखने के लिए ये रैक बनाई गई है। बाकी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। साउथ साइड से यहाँ पे 2 विंडो ओपनिंग्स है, और यहाँ पे पूरब साइड से भी 1 विंडो ओपनिंग है। तो इस तरीके से ये किचन है। इस किचन ओटे के बारे में मैं आपको बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन है, उसका मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। और उसके बाद यहाँ पे इस कोने पे है ये टॉयलेट यूनिट, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वाइट टाइल्स लगाई गई है, काफ़ी रिच है दिखने में। और इस कोने पे है ये बाथरूम यूनिट, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये बाथरूम यूनिट। पीछे यहाँ पे और एक दरवाज़ा दिया है, और ये यूटिलिटी स्पेस है इस कोने पे, लगभग 5 फीट चौड़ा यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस है। ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी की तरह एक प्रोजेक्शन निकाला गया है स्लैब का, तो अच्छे तरीके से इसका एक डिज़ाइन है। एक ग्रेनाइट में फ्रेम बनाई गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो इस तरीके से ये ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में किस तरीके से प्लानिंग की गई है। तो अभी हम जाते हैं ऊपर सीढ़ी से। यहाँ पे सीढ़ी अगर आप देखोगे तो ऊपर में ग्रेनाइट लगाया है, ये लगभग 11 इंच का टप्पा है ग्रेनाइट में, और 6 इंच यहाँ पे है वो टाइल में राइजर दिया है, ट्रेड है 11 इंच, राइजर है 6 इंच। ये मिड लैंडिंग के ऊपर यहाँ पे विंडो ओपनिंग है काफ़ी बड़ी, ऐसे भी जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम आ गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया, नीचे जो किचन यूनिट है, किचन यूनिट के पीछे जो स्लैब प्रोजेक्शन था मैंने बताया था, तो यहाँ पे रूम साइज़ काफ़ी बड़ी कर दी गई है। तो अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी साइज़ है रूम की, और काफ़ी स्पेसियस है। नीचे जो टॉयलेट बाथ था, तो यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट बाथ बना दिया गया है। काफ़ी इसका ये टाइल का जो कलर है, एक इंग्लिश कलर है ग्रे में, काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी रिचनेस है इसमें। वहाँ पे वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, और पीछे की तरफ में यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी, काफ़ी अच्छा स्पेसियस प्लान है। अब देखते हैं दूसरा बेडरूम, यहाँ पे 2 विंडो ओपनिंग्स है साउथ साइड में। ये है दूसरा बेडरूम, यहाँ पे हॉल के ऊपर ये दूसरा बेडरूम बनाया गया है। सामने जो बरामदा था, बरामदे के ऊपर पोर्च है, तो पोर्च में जाने के लिए यहाँ पे ये बड़ा दरवाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे उत्तर साइड में एक विंडो ओपनिंग है, और ये रूम भी काफ़ी बड़ा है,
इस रूम के लिए भी एक अटैच टॉयलेट बाथ का प्रोविज़न किया गया है। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा सकते हैं और ये है वो टॉयलेट बाथ। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया कलर की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई है। तो ये है बाहर वाला पोर्च, ऊपर में भी यहाँ पे स्लैब प्रोजेक्शन है। अब जाते हैं टेरेस के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का प्लानिंग है। स्टेयरकेस का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे तरीके से है। यहाँ पे एसएस रेलिंग लग जाएगी साइड में, क्योंकि यहाँ पे ये खुला है ना, तो ये पूरा एसएस रेलिंग लग जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक। सब कुछ बढ़िया तरीके से प्लान किया गया है। ये है इसका टेरेस फ्लोर, हम देख सकते हो ब्रिक पैट को भाई इसमें किया गया है, एक टाइप जो बोलते हैं वाटर प्रूफिंग ब्रिक पैट प्रूफिंग। प्लम्बिंग की लाइन से अगर आप देखोगे, ये है स्टेयर केस हेडरूम, ऊपर जाने के लिए फैब्रिकेशन में बनाई गई है एक छोटी सी सीढ़ी, ऊपर टंकी रख गई है, सिंटेक्स टैंक। और प्लम्बिंग की लाइन अगर आप देखते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी जो है ना लाइन दी गई है। और जो पैरापेट वॉल है, पैरापेट वॉल के ऊपर ग्रेनाइट बिठाया गया है। वैसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि ये तो ना कोई देखने वाला है ना कोई, इसका कोई भी यूज़ नहीं, इसका पर्पज़ ही नहीं यहाँ पे, तो ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी है। इस तरीके से ये ओवरऑल डिज़ाइन है। तो दोस्तों आपको ये वॉक थ्रू कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।